Hello, good morning students. Today we will start for class 5 exercise number 6.4. So dear students, आज हम करने जा रहे हैं divide. तो मैं आपको कुछ जो question sense में वो question आपको बता दे रहा हूँ. जैसे question number B है आपका. Question number B है आपका 536 divided by 100. इनको क्या करना है? Divide करना है. ये मेथड आपको पता ही है कैसे आप डिवाइड करते हैं. बहुत इजी मेथड है इससे आप निकाल सकते हो. लेकिन हमें क्या करना है, डेसिमल में लाना है. तो कैसे लाएंगे डेसिमल में? आप इसमें जो लास्ट में रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर हम इसमें कैलकुलेट नहीं करते हैं. पूरा नंबर को हम कट करते हैं. तो क्या करते हैं, 536 डिवाइडेड बाई 100. तो 536 में 5 टाइम मिल जाएगा. तो 100 माइनस करेंगे 36 बचेगा. पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे. बात समझ आ रही है ना? आप जैसे नॉर्मली करते हैं तो 3 टाइम टेबल चल जाएगा. ओके, 3 टाइम टेबल चल जाएगा. हमने देखिए पॉइंट इसलिए लगाया है क्योंकि आपके पास 36 आ रहा था और आपके पास यहाँ पे जो डिवीजन में नंबर था वो ज्यादा था, इसलिए पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 360 हो चुका है. 3 टाइम चलाएंगे तो 300 हो जाएगा. माइनस करेंगे, 60 बचेगा. पॉइंट आपने लगाए रखा है, आप जीरो बढ़ा लेंगे तो 60 चल जाएगा. 600 पूरा हो जाएगा, नीचे कुछ आपके पास नहीं बचेगा. ओके, तो आपके पास आंसर आ चुका है 5.36. इज दैट क्लियर? चलिए इसी का मैं आपको बता देता हूँ जी. क्वेश्चन नंबर 1 का जी देख लीजिए. जी क्वेश्चन है आपका. जी क्वेश्चन में 4.86 डिवाइड बाय 200, ठीक है ना? 4.86 डिवाइड बाय 200. तो क्या कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप देख लीजिए क्या करते हैं. 4.86 को एज इट इज देखेंगे, अपॉन में कर देंगे 200. अपॉन का मतलब भी डिवाइड ही होता है, ध्यान रखना. अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने क्या है, पॉइंट हटाया और 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं. नीचे वाले नंबर को नीचे आते हैं, कम से अगर नीचे पॉइंट है तो ऊपर जाते हैं. ओके, और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं, फिर जितने भी नंबर होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं. कितने नंबर हैं, 2 नंबर है तो 2 नंबर इसमें जीरो लगाते हैं. अब हमारे पास जो नंबर आ चुका है, वो नंबर आ चुका है 486 अपॉन में, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 हो चुका है. देख लीजिए कैसे आता है. ओके, 20,000 हो चुका है. तो चलिए 486 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आप ध्यान से करेंगे. यह होगा आपका 20,000. ओके, 20,000. चाहते तो मैं इसको डायरेक्ट कर सकता था लेकिन आपको समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ. तो चलिए कर ले, 20,000 करने के लिए इसको क्या करेंगे, जीरो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे. 4,000 जो है जीरो लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे. अब कितना, 48,000 हो चुका है. अब टेबल्स भी चल जाएगा आसानी से. तो 2 जो चला देंगे, 2 जो होता है 40,000, माइनस करेंगे 006 और 8. अब 8,000 हो चुका है, ये ज्यादा है. पॉइंट आपने लगाए रखा है, जीरो भी लगा रखा है, जीरो बढ़ाएंगे. अब कितने टाइम चल जाएगा, 4 टाइम. तो 2 हो जाए 8, तो 80,000 हो जाएगा. ठीक है, 80,000 हो जाएगा जब 4 घंटे चला चलाएंगे. तो यहाँ से कितना बचेगा आपके पास, ये जीरो और यहाँ पे 6. अब 600 है, आपने पॉइंट लगाए रखा है तो जीरो लगा देंगे. तो कितने टाइम चल जाएगा, 3 टाइम चल जाएगा. तो 3 × 6 तो ये हो जाएगा 60,000. माइनस करोगे तो कुछ नहीं बचेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. आपके पास जो आंसर आ जाएगा, 0.0243. ओके, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा क्वेश्चन. फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वारी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. क्वेश्चन बताना है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वेश्चन बताना है. क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कौन सा क्वेश्चन होता है, अभी इसको रिमाइंड करा देते हैं. चलिए फाइंड द क्वेश्चन.
फाइंड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर वन देखिए, क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। ए 2.7 डिवाइडेड बाय 3 कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को? आप क्या करते हैं, 2.7 को एज इट इज लिखते हैं, अपॉन में निकलेंगे 3। ओके अब क्या करेंगे, हटाओ इसको, पॉइंट हटाया, 1 का मल्टीप्लाई किया, जितने नंबर उतने 0 लगा दीजिए, 1 नंबर है तो 10 लगा दिया। अब आपके पास सिंपल फॉर्म में नंबर आ चुका है 27 अपॉन 30। अब आप क्या करेंगे, इस नंबर को डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 30 ज्यादा होता है, इसको डिविजन बोलते हैं, जो आएगा ये होगा आपका आंसर, इसको बोलते हैं क्वेश्चन, जो हमें चाहिए ये। ओके आपको रिमाइंडर नहीं छोड़ना है, पूरा नंबर आपको डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि आपके पास जो डिविडेंड वाला नंबर है वो कम होता है और डिविजन वाला नंबर ज्यादा होता है, तो क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। ओके तो कितने टाइम, 9 टाइम चल जाएगा, 9 × 3 = 27 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा और आपके पास ये आंसर आ चुका है 0.9। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ओके समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है इसका ई। ई क्वेश्चन थोड़ा आपको लग रहा होगा कि करने लायक है, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई इज दैट 0.225 डिवाइड बाई 0.25। ओके इजी क्वेश्चन है, बोलो आप इनसे डर जाते हो ना, मुझे पता इनसे डर जाते हो आप, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। 0.225 अपॉन में लिखेंगे 0.25। ओके क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल आउट करेंगे, आपके पास नंबर आ जाएगा 225 डिवाइड बाई 20। सिंपल आ गया है, 225 अपॉन 25। अब 225 को 25 से आप क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, कैसे जैसे भी बताया था, 225 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम चलेगा, टेबल देख लीजिए, चलेगा 9 जब, ठीक है ना। चलो 25 9 से देख लेते हैं कितना होता है, 9 × 5 = 4, 9 × 18 = 22। तो 9 टाइम पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ चुका है इसका 9। ये ही आपका क्वेश्चन होगा, इसके बाद कर लेते भी ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन होगा। ओके चलिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट एक्सरसाइज, सॉरी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी हमें क्वेश्चन ही बताना है, तो आप देख लीजिए कैसे करेंगे। ए क्वेश्चन में इसको बता रहा हूँ, ए 69 डिवाइड बाय 0.23 बहुत इजी क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, 69 अपॉन में कर लेंगे 0.23। अब याद करिए मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, कंसेप्ट क्या बताया था कि 0 पॉइंट वाला नंबर कहीं पर भी हो, डेसिमल नंबर कहीं पर भी हो, उसके अपोजिट साइड जैसे ही आप पॉइंट को हटाते हैं तो अपोजिट साइड 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, अब नीचे तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो पॉइंट हटाएंगे मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, जितने नंबर होंगे पॉइंट के बाद के उतने ही 0 लगा, लग गया 0। अब आपके पास नंबर आ चुका है 6900 अपॉन में 23। अब इसको सीधा भी कट कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, आप कैसे कर सकते हैं इसको, 6900 डिवाइड बाय 23 तो कितने टाइम, 3 टाइम मिल जाएगा, 3 × 9 = 6 माइनस करेंगे ये 0 बचेगी, 0 लगाओ 0 कैंसिल और फिर से 0 लगाओ 0 लगाओ और 0 कैंसिल, ठीक है, आपके पास नंबर आ चुका है, आंसर आ चुका है 300। जब इन दोनों का कैंसिल आउट कर दिया, ओके चलिए एक क्वेश्चन और मैं इसका बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन बहुत इजी है सारे। क्वेश्चन नंबर है आपका ई, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ई, 3 डिवाइड बाय 0.001। अब आप कहोगे होल नंबर को कैसे करेंगे डिवाइड, तो देखिए कैसे करते हैं, 3
फोन में नंबर लिख लेंगे 0.005, ओके। इसको कैंसिल करोगे तो ऊपर किससे 1 से मल्टीप्लाई करोगे, कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, 100 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 जाएगा 300 अपॉन में 5 आ जाएगा। अब देखो जैसे ही पॉइंट हटाते हैं तो शुरू में जो जीरोस होते हैं नंबर्स के पहले उनकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो चलिए अब क्या करेंगे, 300 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 6 जा 5 6 जा 13, कितना बचा, 0 0 लगाएंगे तो 0, ओके आंसर आ चुका है आपके पास 16। डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम आपको तो आप पूछ सकते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।